चलिए डियर स्टूडेंट, हम अब दूसरे एलिमेंट को लेकर आए हैं जिसका नाम है लिथियम, है ना। इसे पहले वाला में आप देख लेना, अगर जो लोग नहीं देखे हैं इसे पहले वाले एलिमेंट के बारे में, परमाणु के बारे में आप देख लेना, बहुत अच्छा मैंने समझाया है उसके बारे में। एक मिनट आप अपना समय दोगे, पूरे एलिमेंट की कहानी आपको, जन्म कुंडली मिल जाएगी। तो चलिए लिथियम को स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम का संकेत होता है Li, लिथियम का संकेत क्या होता है Li, परमाणु संख्या होता है 3, परमाणु द्रव्यमान 7 ग्राम, और इसके खोज करता है जोहान साहब। कोई पूछेगा लिथियम का खोज किसने किया, जोहान किया था, 1817 ईस्वी में किया था। और लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे 1s 2s 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना और s में 1, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, यानी बाहरी कक्षा में लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने 1 लिखा, अगर कोई संयोजकता पूछेगा संयोजकता भी होता है 1। अब लिथियम के बारे में कुछ गुण जान लो, लिथियम सबसे हल्की धातु है। पूछेगा सबसे हल्की धातु कौन है, ये लिथियम भाई साहब है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। और इसे मोम में रखा जाता है, लिथियम को कहां रखा जाता है, मोम में रखा जाता है। और लिथियम का अगर कोई पूछेगा विकर्ण संबंध किससे होता है, तो विकर्ण संबंध मैग्नीशियम से होता है, यानी मैग्नीशियम से ये डायगोनली कनेक्टेड होता है। तो आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को, आप अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।